एक साधारण सी आदिवासी लड़की जो बाल विवाह की कुप्रथा का शिकार होकर पहले तो दैहिक शोषण के भयानक भंवर में जा गिरी। इसके बाद ससुराल और मायके की उपेक्षा ने उसे सभ्य समाज के उन तमाम पैतरों का अच्छी तरह अनुभव करा दिया जिसकी आड़ में समाज हर रोज मानवता का गला घोंटता है। अपनी जिंदगी की कड़ी धूप में उसे छांव का एहसास शायद कभी हुआ हो। बिरादरी के दंभ ने उस पर इतने अत्याचार किए कि उस कड़ी धूप में उसके शरीर से पसीना नहीं बल्कि लहू बहा करता था, और जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई तो उसने भी बंदूक उठाकर रक्त की नदियां बहा दी। हम बात कर रहे हैं अपने समय की खतरनाक दस्यु सुंदरी फूलन देवे की। हमारे आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, हम लेकर आए हैं उसके जीवन के कुछ अनछुए पहलू। फूलन देवी की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से, जहां गोरहा का पूर्वा नाम का एक छोटा सा गांव है। ये गांव फूलन देवी की वजह से जितना प्रसिद्ध हुआ उसके पहले उतना ही गुमनाम हुआ। फूलन के पिता देवी दीन मल्लाह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा चार बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ी लड़की थी, उसके बाद दो लड़के थे और इन तीनों में सबसे छोटी थी फूलन। देवी दीन मल्लाह के पास जमीन का एक छोटा सा हिस्सा था जिस पर वो कुछ खेत किया करते थे। किसी तरह घर परिवार चलता और बाकी नाव चलाकर भी किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। फूलन देवी जिस बिरादरी से आती है उस बिरादरी में भी उनका परिवार गरीब से भी ज्यादा गरीब वाली स्थिति में था। फूलन देवी का नेचर बचपन से गलत बात का सेटअप कर चुप रह जाने वाला नहीं था, बल्कि वो पलट कर बराबरी से जवाब दिया करती थी। मौका पड़े तो लड़ने लगती थी और यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ जाए तो भी पीछे नहीं हटती। फूलन देवी के पिता के पास जो जमीन थी उसके कुछ हिस्से पर उनके चाचा ने कब्जा कर रखा था। अब फूलन के घर में उसकी शिकायतें थी वो आने लगी, क्योंकि वो घर के बाहर लड़कों से भी झगड़ा करने लगी, या फिर यूं कहे कि कोई अगर उसे परेशान करता तो वो चुप नहीं बैठती थी, वो ईंट का जवाब पत्थर से दे देती थी। आगे चलकर फूलन देवी के दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई, परिवार में केवल दो लड़कियां बची और चाचा जमीन के टुकड़े के पीछे उनके परिवार को और ज्यादा परेशान करने लगे। इसके जवाब में केवल फूलन देवी डटकर खड़ी रहती थी, वो अपने पिता से भी ऐसा करने को कहती थी। इसे लेकर पिता और पुत्री में भी झगड़े हुआ करते थे। गुस्से में आकर पिता ने फूलन का विवाह एक दूसरे गाँव में पुत्ती लाल नाम के आदमी से कर दिया जो फूलन से उम्र में तीन गुना ज्यादा बड़ा था। फूलन की शादी लगभग 11 साल में हुई और उस समय उसके पति की उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। ये एक तरह का ऐसा कस्टम था जिसमें लड़के की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी, लेकिन गौना बालिग होने पर किया जाता था, यानी लड़की को ससुराल तभी भेजा जाता था जब वो बालिग हो जाती थी, घर परिवार संभालने लायक हो जाती थी। लेकिन कहते हैं कि फूलन देवी के पिता ने उसका गौना नहीं किया था, उसके बावजूद पुत्तीलाल ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसका बलात्कार किया जब वो इन संबंधों का मतलब भी नहीं समझती थी, तब उसे इन संबंधों के लिए बाध्य किया गया। इसके अलावा भी फूलन देवी के मायके वाले अक्सर फूलन को बिना गौने के ही ससुराल भेज दिया करते थे, जहाँ उसका शारीरिक शोषण हुआ करता था और वो वहाँ से बार बार भागकर वापस आ जाती थी। ससुराल से फूलन के बार बार वापस आने से उसके पिता भी परेशान हो गए, मगर उन्हें अपनी बेटी की परेशानी नहीं दिख रही थी। एक बार जब फूलन अपने ससुराल से भागकर वापस आए तो उसके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि फूलन मारपीट करती है और उसे सोने की अंगूठी चुराई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने फूलन को अरेस्ट करके लॉकअप में रख दिया। तीन दिन तक लॉकअप में रहने के बाद कहा जाता है कि थाने के स्टाफ ने भी फूलन के साथ बलात्कार किया। फूलन के जेल से वापस आने के बाद उसके पिता ने उसे वापस ससुराल भेज दिया। वहां जाने पर पता चलता है कि उसके पति पुत्तीलाल ने दूसरी शादी कर ली है। उसके ससुराल वाले फूलन के साथ एक बार फिर मारपीट करते हैं, इस बार सारे सामान के साथ उसे वापस मायके भेज देते हैं। अब फूलन ससुराल से भी लगभग अलग हो चुकी थी और पिताजी उसका साथ नहीं दे रहे। अपने घर परिवार का ऐसा व्यवहार और पुलिस थाने में जो भी कुछ फूलन के साथ हुआ, इन तमाम बातों ने उसे भीतर से बागी बना दिया। इसके बाद फूलन का संपर्क कुछ ऐसे अनजान अजनबी लोगों के साथ हुआ जिन्होंने उसे एक अलग ही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। फूलन के संपर्क में आए ये लोग मल्लाह जाति से ही थे, मगर चंबल के भीड़ों में सक्रिय डाकुओं के संपर्क में थे और उनके लिए काम किया करते थे। एक दिन अचानक फूलन गायब हो गई और चंबल की भीड़ों में पहुंच गई। चंबल के भीड़ों ने फूलन देवी को बाबू गुर्जर गैंग में पहुंचा दिया। इस गैंग में बाबू गुर्जर के बाद विक्रम मल्लाह का नंबर आता है। विक्रम मल्लाह फूलन देवी की जाति से ही था और उसे फूलन की कहानी मालूम थी, इसीलिए उसके मन में फूलन के लिए कुछ कोमल भावनाएं थी, लेकिन बाबू गुर्जर की गिद्ध जैसी नजर फूलन देवी के ऊपर थी। एक रात जब वो फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तब वहाँ विक्रम मल्लाह पहुंच गया। उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फाइनली विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर को जान से मार दिया। हालांकि विक्रम मल्लाह पहले से शादीशुदा था, लेकिन अब इस गैंग में विक्रम मल्लाह ही लीडर था।
और फूलन उसके साथ थी, दोनों के प्यार के चर्चे मशहूर होने लगे। विक्रम मल्लाह ने ही फूलन देवी को राइफल चलाना सिखाया। एक डाकू क्या होता है, उसकी जिंदगी क्या होती है, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, ये सारी बातें उसे विक्रम मल्लाह ने सिखाई। इसके बाद वो लोग छोटी मोटी किडनैपिंग, रोड रॉबरी जैसे काम करके पैसे कमाते थे और इसी तरीके से जिंदगी चलाते थे। एक दिन फूलन देवी विक्रम मल्लाह और अपनी गैंग के साथ अपने ससुराल यानी के पुत्ती लाल के घर पहुँचती है। वो अपने पति को गाँव के चौराहे पर लाकर बुरी तरह मारती है और उसे अधमरा करके छोड़ देती है। बाद में उस गांव में वो एक धमकी भरा नोट छोड़ती है कि गांव के किसी भी अधेड़ बुजुर्ग मर्द ने अगर किसी छोटी बच्ची से शादी की तो फूलन देवी उसे गोली से मार देगी। बाबू गुर्जर के गैंग में सभी जाति के लोग थे, लेकिन गैंग में राजपूतों का वर्चस्व था। इसी गैंग के दो लोग श्रीराम और लालाराम पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जो कि जेल में थे। जब वो जेल से छूट कर आए तो उन्हें ये पता चला कि विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी के चक्कर में सरदार को गोली मार दी। इस बात से खुन्नस खाए ये दोनों गैंग में जाति के आधार पर दरार डालने लगे। फाइनली राजपूत जाति के ज्यादातर लोग एक तरफ हो गए। गैंग में मल्लाह जाति के लोग कम थे, वो विक्रम मल्लाह के साथ हुए और दोनों ग्रुपों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। उस लड़ाई में विक्रम मल्लाह मारा गया। श्रीराम और लालाराम फूलन को उठाकर यूपी में अपने गाँव बेहमी ले आए। यहाँ उन्होंने फूलन को एक कमरे में बंद कर दिया और बारी बारी से लगातार 3 हफ्ते तक कई दर्जनों लोगों ने फूलन के साथ बलात्कार किया। उसी गांव में एक मल्लाह जाति का व्यक्ति रहता था। उसी बात पता चले कि फूलन की हालत बहुत खराब है। उसके साथ ही विक्रम मल्लाह गैंग के 2 साथी और थे, उनकी मदद से फूलन देवी को वहां से निकाल दिया गया और ठाकुरों को भनक तक नहीं लगी। ये लोग फूलन देवी को लेकर एक बार फिर चंबल के भीड़ों में आ गए। ये सभी मल्लाह जाति के लोगों को इकट्ठा करके एक नया गैंग बनाते हैं। इस मल्लाह गैंग की लीडर खुद फूलन देवी बनती है, जो फूलन देवी को वहां से बचा कर लाया था। उसका नाम था मान सिंह, वह फूलन देवी के साथ रहता है। फूलन देवी की जिंदगी में विक्रम मल्लाह की जगह अब मान सिंह ने ले ली थी। ये लोग छोटी मोटी रॉबरी करते थे, लेकिन फूलन देवी ऊंची जाति के लोगों को ज्यादा टारगेट किया करती थी। 14 फरवरी 1981 का वो दिन जब बेमही गांव में एक राजपूत परिवार में शादी थी, फूलन देवी का गैंग इस गांव पर पुलिस की वर्दी में हमला कर देता है। फूलन देवी के साथ इस गांव में जो घटना घटी, उसके ठीक 7 महीने बाद अपना बदला पूरा करने के लिए फूलन देवी यहां आई। उसने श्रीराम और लालाराम के साथ उन तमाम लोगों की तलाश शुरू की जो इस कांड में उनके साथ थे, मगर गांव में इनमें से कोई नहीं मिला। केवल 2 लोग ही फूलन देवी की पकड़ में आए थे। इसके बाद फूलन देवी ने शादी में आए हुए दूसरे राजपूत मर्दों को पकड़ा और गांव के चौराहे पर उन सभी को एक लाइन में खड़ा किया। शुरुआत फूलन देवी ने खुद की और उसके बाद उसके गैंग के दूसरे लोगों ने मिलकर 22 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद फूलन देवी और उसका गैंग सुरक्षित वापस चला गया, लेकिन इसके बाद से पूरे देश में फूलन देवी का नाम घर घर लिया जाने लगा। बेमही हत्याकांड में फूलन देवी को दस्य सुंदरी के तौर पर फेमस कर दिया गया। मीडिया ने फूलन देवी को बैंडिट क्वीन नाम दे दिया। उस समय दिल्ली में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर थी और यूपी में वीपी सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्टेट की पुलिस फूलन देवी की तलाश करने लगी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही थी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के SP राजेंद्र चतुर्वेदी अपने सूत्रों के जरिए फूलन देवी के संपर्क में थे और वो उसे सरेंडर कराने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहल की कि बातचीत होनी चाहिए। फूलन देवी ने सरेंडर करने की इच्छा तो जताई, लेकिन अपने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा कि वो महात्मा गांधी और दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने हथियार डालेंगे, गैंग के किसी भी सदस्य को 8 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखेंगे और जेल से निकलने के बाद उन्हें जमीन या प्लॉट देंगे, जिसके आधार पर वो शराफत की जिंदगी जी सके। फूलन देवी के सरेंडर के समय उनका परिवार पूरा वहां मौजूद था। फूलन देवी यूपी में सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि MP में सरेंडर करेंगे। गैंग के किसी भी सदस्य को फांसी की सजा नहीं होगी। ऐसी शर्तों के साथ बात सरकार के पास पहुंची। सरकार मान गई और फरवरी 1982 को फूलन देवी ने अपने पूरे गैंग के साथ भिंड जिले में सरेंडर कर दिया। इसके बाद फूलन देवी को जेल ले जाया गया। आने वाले 11 सालों तक इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और फूलन देवी जेल में ही रह रही थी। साल 1994 में यूपी में मुलायम सिंह यादव सरकार थी। उन्होंने फूलन देवी पर दर्ज तमाम मुकदमे वापस ले लिए। कुल 48 मुकदमों को वापस लेने के बाद फूलन देवी एक आजाद नागरिक की तरह रहने लगी। इस दौरान फूलन देवी की जिंदगी पर एक फिल्म भी बनी, जिसे बैंडिट क्वीन नाम दिया गया। शेखर कपूर की बनाई हुई ये फिल्म काफी हिट रही, लेकिन इस फिल्म को बनाने से पहले फूलन देवी से पूछा भी नहीं गया। साल 1995 में वो बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए उम्मेद सिंह नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत कर लोकसभा पहुंची। इसके बाद साल 1998 में फिर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से हार गई। इसके बाद 1999 में एक बार फिर मिर्जापुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां से वो दूसरी बार जीत गए।
25 जुलाई 2001 को दिल्ली स्थित सरकारी आवास के सामने फूलन देवी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस घटना के दो दिन बाद आरोपी शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। इस हत्या को अंजाम देने का जो कारण सामने आया वह चौंकाने वाला था। पुलिस के अनुसार राणा ने बहमई हत्याकांड में मारे गए 22 राजपूतों की हत्या का बदला लेने के लिए हत्या की। इस प्रकार फूलन देवी उसी गोली का शिकार हुई जिस गोली से उसे शिकार करने की आदत थी, जिस गोली को अपनी बंदूक में रखकर उसने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला पूरा किया। तो ये थी फूलन देवी की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।